सभी का स्वागत करता हूँ अपनी YouTube परिवार में। तो हमारे कई सारे व्यूवर्स का सवाल आ रहा है कि सर, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि सर अब एग्ज़ाम हम लोगों का लगभग 10 दिनों के अंदर होने वाली है। ठीक है, तो 10 दिनों के अंदर जो एग्ज़ाम्स होने वाली है, या हो सकता है कि 5 दिन हो, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, क्योंकि 6 तारीख से स्टार्ट होने वाली है एग्ज़ाम। यह है, अब किस दिन एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट्स है ये मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम्स है 5th सेमेस्टर का, वो 6 तारीख से स्टार्ट है। मान लो कि अगर आपका 6 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होता भी है और फर्स्ट डे ही मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल हो, तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। आज 29 तारीख हो गया है ना, तो 29 एक दिन, आज का डेट मान लो एक दिन, 30, 31, 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल आपके पास 8 दिन टाइम है। 9वां दिन आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का, तो 9वें दिन तो आप नहीं पढ़िएगा, थोड़ी बहुत रिवीजन कीजिएगा। तो इस 8 दिन में आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, थोड़ी बहुत पढ़े हैं है ना, जो अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं होने वाली है। देखो, अब रही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप बेसिकली 10 में 7 ही बनाना रहता है, तो आप 7 बना लोगे। जो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप अगर वो टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो सबसे पहला जो टॉपिक्स है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पूछा गया है एनालिसिस। ऑफ स्ट्रेस, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये एक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 है ना, ये पहला टॉपिक है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस। अगर आप पढ़ लेते हो एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस, देन वेरी फाइन, और ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस पढ़ लो, इससे फिक्स है आपके 14 नंबर के क्वेश्चंस आएगा। हो सकता है कि आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए ना दो, कुछ अलग चीज़ निकालने के लिए दे दे, हो सकता है लोकेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए दे दे, बट एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस से एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक्स है, वो अगला टॉपिक आप कवर करो करने की, जो कि है थ्योरी ऑफ कॉलम, क्वेश्चन नंबर 6। टॉपिक नंबर 2 क्या है? थ्योरी ऑफ कॉलम, क्या है? थ्योरी ऑफ कॉलम। दूसरा टॉपिक जो है वो है आपका थ्योरी ऑफ कॉलम। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका तीसरा टॉपिक, जो कि यहाँ पे 7वां क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा तीसरा टॉपिक से, बेंडिंग इन बीम, बेंडिंग इन बीम, क्या पढ़ लो? बेंडिंग इन बीम पढ़ लो। ये हो गया आपका तीसरा टॉपिक। उसके बाद आगे नीचे आओगे तो अगला जो टॉपिक्स है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। चौथा टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, या स्लो डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ बीम, स्लोप ऑफ बीम। ये 4 टॉपिक अगर आप बना लेते हो, ठीक है, ये अगर 4 टॉपिक बना लेते हो आप अच्छे से, देखो 8 दिन है आपके पास टाइम, तो 8 दिन अगर पर डे आप 2-2 घंटे भी हर एक टॉपिक को प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो 4 टॉपिक हैं, 4 दिन में 2-2 घंटे दोगे कंप्लीट, या आप ज़्यादा भी दे सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप उसे कितना फास्ट
रिवीजन कर रहे हो। इन टॉपिक्स को आप ओवरव्यू कर लो। मैं उम्मीद करके कह सकता हूँ, 100% तो सियोरिटी नहीं दे सकता हूँ कि हाँ अब भाई यही क्वेश्चंस आएगा, बट एक कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ, अपने एनालिसिस के बेस्ड पे आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो, अच्छे तरीके से समझ लेते हो, तो डेफिनेटली आपका 40 नंबर आ जाएगा। कितना? 40 नंबर। ऐसे अगर आप एग्जैक्टली नंबर काउंट करोगे तो आप काउंट करोगे तो पाओगे कि आपका जो है 14 14 14 14, है ना, 4 बार 14 आएगा। और ऑब्जेक्टिव कुछ बना लोगे तो वहाँ वहाँ से आपका 10 नंबर। तो अप्रॉक्स आपका लगभग अगर कोर्स करोगे तो आपका लगभग 60 नंबर का बनेगा। कितना नंबर का बनेगा? 60 नंबर का। अब कई सारे लोगों का सवाल आएगा कि सर क्या सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़कर इतना नंबर लाया जा सकता है? बिल्कुल डियर, 100% 100% लाया जा सकता है। बट अब इन टॉपिक्स को अगर पढ़ोगे तो, ये तो मैंने नंबर बताया कि 60 नंबर का आप ला सकते हो, बट उन 60 नंबर को लाने के लिए आप उसको अपने लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करते हो? क्योंकि आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वे ऑफ जो लैंग्वेज है, वो भी आपके एग्ज़ाम्स में मायने रखता है। ठीक है, वो भी आपके एग्ज़ाम में मायने रखता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो, अच्छे से आंसर्स दे रहे हो, वेरी फाइन। क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि 100 200 लोग देखें। अब उन 100 200 लोगों में से आपको 60 में 60 नंबर चाहिए, तो आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन वेस्ट होना चाहिए, तभी तो मिल पाएगा ना, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं। आपको कितने क्वेश्चंस बना रहते हैं आप देखो ना, आप अगर इसका नियम देखोगे तो आपको क्वेश्चंस बनाने रहते हैं 9। कितना? 9 क्वेश्चंस बनाने दिए रहते हैं, सॉरी 9 क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन बनाना रहता है। जिसमें से पहला जो क्वेश्चंस है ये आपका कंपलसरी है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। बाकी 4 क्वेश्चंस बनाने रहते हैं इसको छोड़कर, तो बचा कितना? 8। 8 में से आपको जो है 4 क्वेश्चंस बनाने हैं, यानी ऑप्शनल है। अगर आपका पास 4 आ रहा है बना लो, 4 नहीं आ रहा है छोड़ दो। तो लास्ट टाइम में हम उन टॉपिक्स को पीछे क्यों भागे जो टॉपिक्स अभी हमें समझ में ही नहीं आ रहे? हो सकता है कि मैंने जो 4 टॉपिक्स बताया उसमें से किसी को 3 ही टॉपिक्स समझ में आ रहे, तो ज़रूरत नहीं है चौथा टॉपिक पढ़ने की। सेमेस्टर अगर सिर्फ पास करना है तो ज़रूरत नहीं है कि हम भाई उस टॉपिक को भी पढ़ें जो हमें समझ में नहीं आ रहा। जो टॉपिक्स हमें अभी समझ में नहीं आ रहा उसको बिल्कुल भूल जाओ, जो टॉपिक्स आपको आ रहा है बस उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो। सिर्फ आपका अगर ये सोच है कि बस मुझे एग्ज़ाम पास करना है, हाँ अगर आपको लगता है कि मुझे टॉप करना है एग्ज़ाम में, देन आपको हर टॉपिक्स को क्लियर करना होगा। क्योंकि कोई नहीं जान रहा है कि किस टॉपिक से आ रहा है। हाँ, जिसको सिर्फ पास करना है, मैंने 4 टॉपिक्स बताया, उन 4 टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 10 ऑब्जेक्टिव में से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर कोई आपका डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन्स रहता है, तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उन टॉपिक्स को कवर करने की। और जो टॉपिक्स मैंने आपको बताई है उन टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियोस बना दिया है, तो अगर कुछ हेल्प हो तो आप उस प्लेलिस्ट के सेक्शन से भी उन वीडियोस की मदद से आप अपना हेल्प ले सकते हो। ओके, थैंक यू।